भारत विकास परिषद पश्चिमी की प्रांतीय बैठक में सर्वप्रथम बैठक के मुख्य अतिथि प्रवीण गर्ग वित्त सचिव द्वारा भारत माता और स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर पर फूल माला अर्पण कर दीप प्रज्वलित कर बैठक का आगाज किया गया। तत्पश्चात पी के अग्रवाल ने प्रांतीय कार्यकारिणी एवं सदस्यों और पदाधिकारियों का सम्मान और स्वागत किया, जिसके बाद प्रांतीय सचिव गौरव वाष्णे ने सालाना रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा सभी आय और व्यय की जानकारी परिषद के समक्ष प्रस्तुत की। परिषद में अनेकों वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अब भारत विकास परिषद अपने चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसरित है। बैठक में मुख्य रूप से अजय कट्टा जी, उनकी पत्नी कविता खन्ना, जगन्नाथ चावला आदि सैकड़ों पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। क्या प्रोग्राम होने जा रहा है आज? भारत विकास परिषद का प्रांतीय कार्यक्रम है और उसका प्रांतीय कार्यकारिणी का मनोनयन होना है, जहाँ उनके साथ भी होनी है। क्षेत्रीय कार्यक्रम क्षेत्रीय संयोजक वाला भी आए हुए हैं जो नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे और इसमें पूरे साल जितनी ब्रांचेज प्रांत में है, रोहिंगण पश्चिम प्रांत में, वो अपने अपने कार्य के बारे में विवरण देंगे और उसी के अनुसार एक सम्मान प्रोग्राम भी है। सम्मान जिसमें दिया जाएगा कार्यक्रम में सदस्यों को जो लोगों ने पूरे साल में अच्छे कार्य किए।